पास माओवादियों ने 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, बीच सड़क पर पेड़ गिराकर उसमें बैनर लगाकर रास्ते को बंद किया। आपको बता दें कि माओवादियों ने 2 मई को एट्यापल्ली तहसील के सिंह भट्टी जंगल में हुए मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सल कामरेड सृजना को डिवीजनल कमेटी की मेंबर थी, उसकी मौत हो गई थी, जिसका विरोध हो रहा है। गौरतलब है कि माओवादियों का आज से TCOC सप्ताह चालू है, जिसके मद्देनजर ये वारदात हुई। पीछे दिख रहे आगजनी की भयावह दृश्य इस बात को बताने के लिए काफी है कि माओवादी किस कदर आग बबूला हैं। माओवादियों ने जहां सड़क में चल रहे वाहनों को आग के हवाले कर दिया है, वहीं सड़कों पर अभिवादन व चेतावनियां भी लिख दी है। साफ तौर पर चेतावनी में कहा गया है कि अगर इसे मिटाया गया तो अंजाम बुरा हो सकता है। प्रमोद निर्मल, स्वराज एक्सप्रेस, मानपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के साथ न्याय का